हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा साल 2022 के आखिर में भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बड़े हादसे का शिकार हुए थे। उस कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत को गंभीर चोटें भी आई थी, जिसके बाद वो लंबे समय तक क्रिकेट एक्शन से दूर रहे। हालांकि छोटे छोटे अंतरालों पे हमें उनके वायरल वीडियोस देखने को मिलते थे जब वो अपनी इंजरीज से उबर रहे थे और फिर NCA के दौरान फिजियोथेरेपी करते नजर आ रहे थे। भाई लोग, हम सभी को लगा था कि ऋषभ पंत एक लंबे अरसे के लिए क्रिकेट से दूरी बनाएंगे, लेकिन अब वो समय जल्द आएगा जब ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आएंगे, क्योंकि अब वो अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं और इसका उदाहरण हमें आज देखने को मिला है। उस भीषण कार एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत पहली बार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं और ये टीम इंडिया के साथ साथ हम सभी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऋषभ पंत दिल्ली में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि ऋषभ पंत मैदान पर जाते दिख रहे हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं कि वो ज्यादा भाग दौड़ अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद एक चीज तो साफ नजर आ रही है, दैट ऋषभ पंत विल बी बैक इन एक्शन वेरी सून। जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऋषभ पंत उससे ज्यादा मेहनत और रिकवर करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ऋषभ NCA में रिकवरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हालांकि इस साल होने वाले वर्ल्ड कप तक उनका फिट होना तय नहीं है। अब इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं ऋषभ पंत पूरी तरह से रिकवर हों और अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत की जर्सी पहने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते नजर आए? क्योंकि दोस्तों, इस बार भले ही वो फिट हो जाए, लेकिन वर्ल्ड कप की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ऋषभ पंत कुछ समय और लेकर पूरी तरह से फिट होके, रिकवर होके वापस टीम इंडिया में शामिल हों, ये हमारी कामना है। वहीं दूसरी ओर, पंत के चोटिल होने के बाद से टीम इंडिया को सभी फॉर्मेट में नुकसान काफी झेलना पड़ा है, चाहे वो टेस्ट टीम हो या लिमिटेड ओवर सीरीज। इंडियन क्रिकेट टीम का बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं हिचकोले खाता नजर आ रहा है और ये वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए टीम इंडिया के अच्छे संकेत नहीं है। फिलहाल के लिए सभी परेशानियों से इतर इस वीडियो ने हम सभी फैंस को राहत की सांस दी है और एक पॉजिटिव राह दिखाई है। दोस्तों, अगर आप भी हैं ऋषभ पंत के फैन, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।